टीपास किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मीठे में कुछ खास बनाएं, रबड़ी विद गुलाब जामुन। आज हम आपको कुछ अलग हटके रेसिपी बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है रबड़ी विद गुलाब जामुन। इसके लिए हमने लिया है 1 लीटर दूध, 50 ग्राम चीनी, 7 से 8 काजू और 7 से 8 बादाम, इनको हम बारीक काट लेंगे। 4 इलायची है, इसका हम पाउडर बना लेंगे, और थोड़े से धागे केसर के और थोड़े से गुलाब जामुन। रबड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम दूध को कढ़ाई में उबाल लेंगे। दूध में उबाल आ रहा है, अब यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को मीडियम करके मलाई को किनारे के साइड में इस तरह से लगाते जाएंगे। हमने फोर्क ले रखा है, इससे हम किनारे के साइड में लगाते जाएंगे। अब यहाँ पे हम गैस को फ्लेम को हाई कर देंगे। हम गैस की फ्लेम को मीडियम से हाई करते रहेंगे और इस तरह से मलाई को हम किनारे लगाते जाएंगे। दूध को हम तब तक उबालेंगे जब तक ये उबाल होने पर एक तिहाई हिस्सा ना रह जाए। दूध गाढ़ा होने लगा है और देखिए, हमने इसकी मलाई कढ़ाई के चारों तरफ इस तरह से लगा दी है। ये देखिए, सब तरफ है मलाई लगी हुई है और दूध गाढ़ा होने लगा है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे चीनी जो हमने लिया 50 ग्राम और छोटी इलायची। चीनी को भी इसमें घुलने देंगे, बराबर चलाते रहेंगे नीचे की तरफ, जिससे कि तले में लगने ना पाए। दूध एक तिहाई हिस्सा रह गया है, अब हम गैस को बंद करते हैं और थोड़े इसमें बादाम और काजू डाल देंगे। इसमें आप पिस्ता भी डाल सकते हैं। अब जो किनारे साइड में मलाई लगी हुई है, इनको हम खुरच के इसी में मिक्स कर देंगे। हमने थोड़ा सा केसर दूध में मिला के घोल लिया था, अब इसको हम मिला देते हैं इसमें। इससे इसका फ्लेवर और कलर दोनों ही अच्छा आएगा। गुलाब जामुन की रबड़ी बनके हमारी तैयार हो गई है। गुलाब जामुन की रबड़ी बनके तैयार हो गई है, अब इसमें हम ये गुलाब जामुन डाल देंगे। गर्मा गर्म रबड़ी के साथ गुलाब जामुन को खाइए आप, बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। अब थोड़ी राबड़ी हम गुलाब जामुन के ऊपर इस तरह से डाल देंगे, जिससे पूरे अंदर तक भीग जाए। और थोड़े से ऊपर से हम कटे हुए बादाम मिला देंगे। रबड़ी विद गुलाब जामुन बनके तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।